वेलकम टू द चैनल रिव्यूज एक्सपी। रिव्यू शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप किसी भी ट्रैक्टर, कंबाइन या और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का रिव्यू देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आप इस कंबाइन का प्राइस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे वेबसाइट के लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा रिव्यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी तरफ महिंद्रा प्लेट्रैक स्वराज कंपनी से आया हूं, जो हमने यहां पर एक डिस्प्ले के लिए महिंद्रा प्लेट्रैक ने स्वराज 8100EX मॉडल लॉन्च किया है। इसमें हमने बहुत कुछ चेंजेस किए हैं जिसके बारे में आपको बता रहा हूं। सबसे पहले कटरवार जो हमारी फील्ड को काटता है, इसमें हमने इतना कुछ चेंज किया है। इसमें हमने पहले इसमें 6 ट्यूब कर दी है जिसके थ्रू हम ग्रीप रोप को भी आसानी से उठा सकते हैं। और कटरवार जहाँ ये हमने ब्लेड है कन्वेयर वर्म, उसके बाद हमारा साइड में कटर बार आ गया, इसमें हमने टोटली हैवी क्वालिटी का सब कुछ कर दिया है। इसमें चेंजेस के लिए टोटल मटेरियल हमने शीट मेटल हार्ड कर दिया है और ये ड्राइव इजी कर दिया है जिसके कारण ये इजी मूवमेंट ड्राइव करता है। इसके थ्रू ड्राइव आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप पहले हमें ड्राइव चेंज करने के लिए इजी कर दिया है। पहले हमें थोड़ा क्रिटिकल था जो कस्टमर को फार्म को नहीं बदलता था, अब हमें सिंपल पुली वाला करके बेल्ट की पोजीशन चेंज करके आप कटरवार की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब जो इन केस कोई मटेरियल आपका चोक होता है कटरवार में तो इजी आप उसको रिलीज कर सकते हैं थ्रू इसके जैक रोड के या किसी रोड के थ्रू इसको आप चेंज कर सकते हैं। सिंपल आप फील्ड के लिए और ग्राउंड स्पीड को इजी चेंज कर सकते हैं। पहले आपको पहले जो फॉर्म मॉडल उसमें और कंपटीटर जो होते हैं उसके लिए हम आपको कटर पिन रिमूव करना पड़ती थी, पर इस केस में आपको जस्ट 4 वोल्ट रिलीज करके यहाँ पर पिन डाल के आपकी पुली चेंज हो रही थी। बस इंटरचेंज आपने पुली को इंटरचेंज करना है जिसके थ्रू आप ग्राउंड स्पीड के लिए इसकी स्पीड को कम कर सकते हैं और रोड स्पीड के लिए इंक्रीज कर सकते हैं। क्लीनिंग के लिए हमने जो बेड और अपनी सीटों की लेंथ इसको इंक्रीज किया है जिसके कारण प्रॉपर अच्छी क्लीनिंग हो और साव आकर जो मटेरियल को छानते हैं इसने स्टेप इंक्रीज कर दिया है जिसके कारण जो डस्ट होती है जो कचरा होता है वो यहाँ ना रह के प्रॉपर अच्छी तरह क्लीनिंग हो उसको इंक्रीज किया हमने। और जो इसको जो बेड है इसकी सपोर्ट हमने साइड पे साइड पे दे दी जिसके कारण इसकी स्ट्रेंथ और इंक्रीज हुई है और यह अब अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है पहले से। यहाँ से हम इंजन की आरपीएम को कम ज्यादा कर सकते हैं और अपने कटरवार की स्पीड को अप डाउन कर सकते हैं कटरवार को और यहाँ से इसको कम कटरवार की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं और ये ग्राउंड स्पीड के लिए कम ज्यादा करने के उसके लिए जो फंक्शन यहाँ ऊपर दिए हैं हमने। और इसका ये इंजन आरपीएम मीटर है, ये थ्रेशर का आरपीएम मीटर है, इसके थ्रू हम यहाँ से यदि पता चलता है हमारे थ्रेशर में कितनी आरपीएम आ रही है और ये हम ग्राउंड स्पीड को कम ज्यादा गियर है हमारे गियर लीवर है। इसमें गियर के 3 गियरों की 4 गियरों की प्रोविजन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और एक रिवर्स गियर है। ये इसका स्टेरिंग सिस्टम है जो ऑपरेट होता है, उसके टेम्परेचर मीटर है कि पता जो इसमें टेम्परेचर मीटर एडजस्टमेंट है और ये फील मीटर है हमारा। कटरवार के लीवर है हमारे जो कटरवार को थ्रेशर के लीवर को एडजस्ट करते हैं और रील को है जो डिस्चार्ज ग्रेन डिस्चार्ज करने के लीवर हमारा ये यहाँ पर लीवर दिए हुए हैं। ये बैटरी सिस्टम है, इसमें 2 बैटरियां लगी हुई है और यहाँ से पीछे से हम बैटरी को कट ऑफ कट ऑन कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पे इसको हम ऑन कर सकते हैं लीवर को ऐसे पुश करके और जब इसकी जरूरत नहीं है हमने लंबे टाइम के लिए खड़ाना है तो उसको बैटरी को कट ऑफ करके हम ऐसे खड़ा सकते हैं। ये हमारी मशीन की जान इंजन जो अशोक लेलैंड का 101 हॉर्स पावर का हीरा इंजन है जिसके थ्रू ये पूरी मशीन ड्राइव घूमती है ऑपरेट होती है। इसके थ्रू जो पावर आती है रिडक्शन के थ्रू नीचे हमारी बेल्ट के थ्रू नीचे जाती है, इंजन की पावर है आगे हमारे नीचे इस बेल्ट के थ्रू यहाँ से बेल्ट के नीचे जाती है जो पूरी हमारी मैकेनिज्म में जो इसको कंबाइन को मूव करवाती है। ये हमारा ग्रेन टैंक है जो हम धान निकालते हैं या पैडी निकालते हैं तो इसमें टैंक में इकट्ठी हो जाती है जिसके थ्रू फूल होने के बाद इसमें इकट्ठे जब हम ये फूल हो जाता है तो उसके थ्रू हम बम के थ्रू उसको बाहर इस थ्रू हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारा डिस्चार्ज के लिए लगा हुआ है ऑगर और ये इसके बीच में एक लाइट सिस्टम किया हुआ है जिसके कारण हम आसानी से अपना अंधेरे में भी काम कर सकते हैं और पता चल सकता है कि हमारा टैंक भर गया है कि कितना अभी खाली है। लाइटिंग ये हमारी ब्लेरो वाली लाइट है, इस पे 2 फ्रंट में 2 टॉप पे 2 कनोपी पे लाइटें लगी, टोटल फ्रंट में 6 लाइट होंगे जिसके कारण हम अंधेरे में भी अच्छी तरह काम कर सकते हैं और दिन जैसी उजाला पा सकते हैं। इसमें हमारे 2 मॉडल आते हैं, एक EX मॉडल और एक क्लासिक मॉडल। ये हमारा EX मॉडल टॉप मॉडल है, जो हमारा क्लासिक मॉडल है इससे थोड़ा लो है, उसमें सिर्फ कनोपी और फ्रंट लाइटें चेंज नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है, सेम फंक्शन है, सेम सब कुछ है उसमें।
और अब हम इसके बारे में वारंटी के बारे में बात करते हैं। हमारी ओवरऑल एक साल की वारंटी है जिसमें सब कुछ कवर, रबड़ पार्ट को छोड़कर सब कुछ कवर होता है। और जो हमारा गियर बॉक्स और हमारा फ्रंट एक्सल है इसकी हम 2 साल की वारंटी देते हैं कंपनी की ओर से। कोई भी कंपनी 2 साल की वारंटी देती है, जब महिंद्रा की 2 साल की इन चीजों की वारंटी दे रही है, गियर बॉक्स की और फ्रंट एक्सल की। इसके लिए हमारे यहाँ लोन की सुविधा भी है, 50,000 बुकिंग देके इसका लोन करा सकते हैं महिंद्रा फाइनेंस से। लोन की सुविधा भी उपलब्ध है इस मशीन पे। और धन्यवाद, अगर जो आपको इसके बारे में कुछ इंक्वायरी चाहिए तो आप इसके नीचे कमेंट करके कंफर्म कर सकते हैं जी, बता सकते हैं। तो ये था आज का हमारा रिव्यू। प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको रिव्यू कैसा लगा, और अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।